ओम वंदे गो मातर बंधुओ, लिख दो क्रांति से मैं हूँ प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमें क्या मिलता है, हम इस विषय पे आज बात कर रहे हैं। हम कई बार लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जैसा कि हम मनुष्य हम सब जानते हैं, हमारे कोई भी लक्ष्य हो उनको पूरा करने में या उन तक पहुँचने में बहुत सारी बाधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, हमें ये बात को समझना होगा, क्योंकि यदि हमारा ध्यान बाधाओं पर है तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें दिखने लग जाती है, अरे ये ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अब हम क्या करें, हमारे पास तो अब आगे रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिनका ध्यान मात्र और मात्र लक्ष्य पर होता है, उनको ये बाधाएं दिखाई नहीं देती और उनको लगता है अरे ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ो, और वो तुरंत ही उस बाधा को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। मित्रों, अपने जीवन में यदि आपको भी आगे बढ़ना है तो करना क्या है, ध्यान मात्र और मात्र अपने लक्ष्य पर रखें। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपका ध्यान बाधाओं पर नहीं जाएगा, और यदि एक बार आपका ध्यान बाधाओं पर चला गया तो वहां आप डगमगा जाएंगे, और जहां मनुष्य डगमगाता है वहीं उसका खेल समाप्त हो जाता है। क्योंकि एक बार डगमगाने के बाद उसको पुनः हिम्मत खड़ी करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी कैसी भी बाधाएं आए, अपने लक्ष्य को अपने मस्तिष्क से मत अलग होने दीजिए। अपने लक्ष्य को आप अपने ध्यान में बैठा के रखिए। यदि ये लक्ष्य आपके मस्तिष्क में बैठा है, आपके ध्यान में बैठा है, तो कभी भी आपको लक्ष्य मिलने में समस्या नहीं आएगी, आपको अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। लेकिन बाधाओं पर ध्यान चला गया फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्रांति करने के लिए भी यही आवश्यक होता है कि आपका जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना और मुझे वहां पहुंचना है। बस यदि आप अपनी मनचाही चीजें, मनचाही सही उत्तम चीजें पाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और क्रांति लिख पाएंगे। क्योंकि हमें तो क्रांति लिखनी है, किसी भी तरीके से हमें क्रांति लिखनी है और अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। वंदे मातरम।